हेलो एवरीवन। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो भैया ऐसा है कि मज़ा आ रहा है थोड़ा सा यार। मतलब एक इवेंट ख़त्म हो रहा है, दूसरा इवेंट आ रहा है, तीसरा इवेंट आ रहा है। सो गाइस, आज आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, मतलब मेरे लिए भी है, पर ये न्यूज़ उनके लिए ज़्यादा अच्छी है जो लोगों ने गेम खेलना अभी शुरू किया है। क्योंकि जो लोग पहले से गेम खेल रहे हैं उनके पास वो सारे लेजेंडरी पोकेमोन हैं। सो गाइज, आपको पता है कि रिमोट रेड बैटल पास आ चुका है। सो गाइज, ये न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी हो गई है और जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी आपको पता होगा, क्योंकि कल मध्यरात्रि से पहले अपने गेम में एक नोटिफिकेशन आया, एक न्यूज़ आई, और वो न्यूज़ एक इवेंट की बात कर रहा है जो इवेंट पूरे मंथ चलेगा, मई मंथ पूरा चलेगा। सो गाइज, उस इवेंट में बहुत कुछ है, बहुत कुछ करने को है, और आज मैं उस इवेंट में कुछ रीजंस के बारे में है, मतलब जैसे कैंटो है रीज़न, वैसे काफ़ी रीज़न है, मेरे नाम थोड़ा यार बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि मेरे को नाम गया ऐसे याद नहीं रहते। कैंटो हो गया, झोटो हो गया, अब झोटो की जगह कुछ और निकल जाता ना, अब झोटो की जगह मैं कुछ गलत बोल देता तो वही दिक्कत हो जाती है। झोटो है, हियोन है, सीनो है, उनोवा, तो इन सारे जो रीज़न है इनके ऊपर कुछ ना कुछ है। जैसे अनोवा नहीं है वहाँ पर, तो चार जो रीज़न है उनके ऊपर इवेंट है। तो इवेंट क्या है, ये एक थ्रोबैक है, मतलब थोड़ी यार वो दिल छूने वाली बातें करी हैं इन्होंने कि मतलब ऐसे लगता है वो कल का ही दिन था जब हम लोगों को तीन पोकेमोन चूज करने को मिला था। सो गाइस, बहुत सही बात बोली इन लोगों ने। पहली बात तो ये कि जो लोग अभी जिन लोगों ने 40 लेवल कर लिया है, जो 40 लेवल पर पहुँच चुके हैं, उन लोगों को वो चीज़ याद करना, मतलब पहला लेवल उनका कैसा शुरुआत किया था गेम, वो याद करना है काफ़ी मतलब अच्छा लगता होगा उनको, क्योंकि पास्ट सबको अच्छा लगता है। तो भैया अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ, क्या न्यूज़ है वो। तो न्यूज़ पे क्लिक कर दिया है मैंने और न्यूज़ खुलने में खुल गई है। सो गाइस, न्यूज़ में आते हैं तो कुछ जैसे कि ये रिमोट रेड पास सेलिब्रेशन है, इसमें डार्कराई, ग्रेटिना, वेरिजन, तो ये सब आएंगे, शाइनी टाइप में भी आएंगे। तो भैया ये पकड़ना हमारे बस की थोड़ी सी बात नहीं है, क्योंकि जिस जगह मैं रहता हूँ यार पता नहीं है कोई और पोकेमोन को खेलता है कि नहीं खेलता है। मैं जब भी भाई क्लिक करता हूँ जिम में तो वहाँ पर जीरो प्लेयर लिखा रहता है, तो भाई अकेले 53,000 का पोकेमोन पेलना बहुत मुश्किल है। सो गाइस, थ्रोबैक चैलेंज है, इसमें चलते हैं। सो गाइस, ये सबको पता है कि इसमें क्या लिखा है, ये सबको पता होगा कि इसमें क्या है, पर मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊंगा। मैं आज आपको कैंटो रीजन का पूरा वे बताऊंगा, कैसे आप उसको अचीव करेंगे और कैसे आप वो लेजेंडरी पोकेमोन म्यूटू हासिल कर सकते हैं। आज मैं उसके सारे मिशन्स बताऊंगा, क्या क्या मिशन है वो सब मैंने एक जगह रखे हुए हैं, सेफ बिल्कुल दबा के रखे हैं कहीं पर मैंने, वो आपको मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी ही देर में। तो पहले बताते हैं क्या है कि मई के जो मई का महीना है उसके हर सप्ते आपके सामने आने वाले हैं इवेंट। वो इवेंट हैं आपके थ्रोबैक इवेंट हैं, जो कि 1 बजे से शुरू होगा 1 तारीख को और 8 मई को 1 बजे तक चलेगा, जिसका नाम है कैंटो रीजन का इवेंट है, कैंटो टाइम्ड रिसर्च। इसमें आपको रिसर्च मिलेगी, वो रिसर्च आपको कंप्लीट करनी है और आप कंप्लीट करने पे आपको मिलेगा म्यूटू। सो गाइस, सिर्फ म्यूटू नहीं है, इसमें और भी ऐसे ऐसे पोकेमोन हैं जो आपको जरूरी है, तो मैं बाकी रीजंस के जो लेजेंडरी पोकेमोन उनके बारे में नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा यार, आप लोगों को वैसे चली जाएगा पता, काफ़ी लोगों को पता भी होगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, पर सबकी टाइमिंग बहुत बढ़िया बढ़िया है, सब 1 वीक चलेंगे, मस्ती से चलेंगे। तो इसमें जो एक नाम है म्यूटू, तो ये जो नाम है यार, इसको मैंने जब ये देखा थ्रोबैक चैलेंज है, मतलब क्या आ रहा है यार, ये पकड़ूंगा क्या मैं। फिर जैसे ही मैंने नीचे गया तो सबसे पहले देखा 10 रेयर कैंडी, मिला ये भाई मिशन में क्या 10 रेयर कैंडी तो चाहिए भाई। उसके बाद मैंने देखा म्यूटू लिखा है, भाई म्यूटू लिखने के बाद मैंने इस पर रिसर्च शुरू कर दी, मतलब भाई ये अब करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो भैया थ्रोबैक चैलेंज सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसमें आप हमारी पोकेमोन की जर्नी के बारे में है, तो अपन लोग की तो जर्नी अभी चली रही है, अपन तो अभी 33 लेवल पर हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब अभी आधा गेम भी कम्प्लीट नहीं हुआ मेरा, तो देखा जाए तो 37 लेवल पे आधा गेम कंप्लीट होता है, मतलब जितना टाइम आपको 1 से लेकर 37 में लगा है ना, उतना 37 से 40 में लगेगा।
ऐसा है, मतलब मैंने कई वेबसाइट पढ़ा है और शायद ऐसा है भी, क्योंकि आप देखेंगे यार, मुझे 34 पर जाने के लिए 10 लाख एक्सपी चाहिए भैया। वो यार ये क्या है, ये लोग 10 लाख एक्सपी कहाँ से लाऊं यार, कहाँ से, घर बेच दूँ क्या? सो गाइज, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने फोटोज़ पे। बाकी फ़ोटोज़ पे ध्यान मत देना कुछ, मतलब यू नो यार, पर्सनल फोटोज़ होती हैं। सो गाइज, ये कुछ स्क्रीनशॉट है मेरे। तो जब कैंटोरियन स्टार्ट होगा तो स्टेज वन जो पहला मिशन आएगा, ये मैंने एक वेबसाइट से खींचे हैं, तो जो पहला आएगा उसमें क्या है, स्टेज वन बहुत सिंपल है। आपको 3 पोकेमोन पकड़ने हैं, जिसमें से एक ग्रास टाइप होगा, एक वाटर टाइप और एक फायर टाइप। तो काफ़ी स्मार्ट लोग होंगे जो फटाफट पूरा पढ़ भी लेंगे, तो मैं उन लोगों के लिए बोल दूँ यार पढ़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला करते ही आपको 10 पोकेबॉल मिलेगी, कुछ खास नहीं है। उसके बाद दूसरे में आपको एक बग टाइप पोकेमोन होगा, उसके साथ आपको एक स्नैपशॉट लेना है, फ़ोटो खिंचवानी है, मतलब सेल्फी यार, सेल्फी नहीं मतलब ऐसे ही खींच दो। तो उसमें आपको 5 पाइनएप्पल बेरी मिलेंगी, ये पहले से थोड़ा अच्छा है। फिर आपको एक रॉक टाइप पोकेमोन पकड़ना है, ये 500 स्टारडस्ट ठीक है, मतलब ओके ओके है। तो जो उसका रिवार्ड है भैया, वो सबसे ज़्यादा मस्त है भैया, ओनिक्स मिलेगा आपको। अब क्या है कि जिसके पास ओनिक्स का मतलब विकसित रूप भी है ना, उसको इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, पर जैसे मेरे पास ओनिक्स है और मेरे को सिर्फ और सिर्फ 12 कैंडी की कमी है, तो मेरे लिए भैया एक भी ओनिक्स बहुत ज़रूरी है। मैं इस पर भी 6 कैंडी 7 कैंडी निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो भैया एक ओनिक्स मिलेगा, एक रेयर गेंडी। भैया रेयर गेंडी देखते ही दिल खुश हो जाता है, मिलती नहीं है, मिल रही है ले लो, ठीक है? तो एक रेयर गेंडी, दो मिलेंगी आपको गोल्डन रास्पबेरीज, भैया बहुत टेस्टी है। स्टेज टू जो कि स्टेज वन से थोड़ा सिंपल है, बैटल इन आ रेड, मतलब आपको बैटल नहीं लड़ना, रेड में जाके बस अपना वो पास लगाना और तुरंत एग्जिट मार दो, क्विट मार दो, नहीं खेलना भाई। आपको मिलेगा क्ली फेरी इनकाउंटर, भैया पोकेमोन है ये, कोई बता दें पहले भैया, हमारे पास तो नहीं है। क्ली फेरी मिलेगा, बहुत तगड़ा पोकेमोन है इसका, जो भैया फेरी अटैक है ना, हमसे पूछो यार, ग्रेट लेक में यही पहलता है हमको। तो भैया क्ली फेरी मिलेगा, उसके बाद आता है ट्रांसफ़र 3 पोकेमोन, सबसे बेस्ट, सबसे मतलब इजी है ये ट्रांसफ़र 3 पोकेमोन। पकड़ो, ऑप्शन पर जाओ, ट्रांसफ़र मारो साले को, काम का नहीं है उसको हटाओ। उसके बाद है कैच 1 वाटर टाइप पोकेमोन। तो भैया बात यह है कि जब ये कैंटोरिजन चल रहा होगा तो आपके पास कैंटोरिजन के पोकेमोन्स भी आते रहेंगे, खासकर पिकाचू आएगा, तो कि चारिज़ार्ड की टोपी पहना होगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि कैंटोरिजन में सबसे ज़्यादा फेमस पोकेमोन, सबसे ज़्यादा वोटिंग मिली है चारिज़ार्ड को। सो गाइस, वो इसलिए चारिज़ार्ड की कॉपी पहने, कॉपी कैप पहनेगा। तो आगे बढ़ते हैं भैया, जो सेकंड स्टेज कंप्लीट होगी तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा रेयर कैंडी, 2 पाइनएप्पल बेरीज और स्टारमी। सो गाइस, स्टारमी वाटर टाइप पोकेमोन है, स्टारयू का विकसित रूप है, बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद चलते हैं स्टेज 3। स्टेज 3 लिखा नहीं क्योंकि ऊपर एक ऐड था तो मैंने हटा दिया। तो स्टेज 3 में क्या भैया, 3 पोकेमोन इवॉल्व करने हैं। भैया जो भी आज इस वीडियो को देखने से के बाद इवॉल्व करने का सोच रहा है, इवॉल्व ना करें, यहाँ काम आएगा। एक अंडा फोड़ना है, मतलब जो पोकेमोन में होते हैं वो वाले अंडे फोड़ने, ठीक है भैया? तो यहाँ पर एक अननोन इनकाउंटर है, अननोन इनकाउंटर मतलब कुछ भी आ सकता है, 4000 भी आ सकता है। फिर है कैच इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन, बहुत इजी क्योंकि पिकाचू हर जगह होगा। पिकाचू भैया ऐसा है कि कोई भी इवेंट आ जाए वो बिन बुलाए मेहमान है, घुस पड़ता है। तो भैया देख लो यार, अब क्या बोले यार, रेयर कैंडी पे बिल्कुल इतना मन आ रखा है ना, और 2 गोल्डन रास्पबेरी। रायचू आएगा भैया, रायचू भी अच्छा है, जिन लोगों के पास नहीं है वो पकड़े, पाले पोसे, वैसे भी बहुत बड़ा है वो। उसके बाद स्टेज 4, इसमें भैया सबसे इजी है, बॉडी को पर क्लिक करें, उसको थोड़ा बड़ा खिला दें, गैसली पकड़ लें, दोस्त को गिफ्ट भेजें भैया ड्रेटिना, ड्रेटिनी। इसको भैया जब से मैं डाउनलोड किया इसको भैया ढूंढ रहा हूँ भाई, 10 किलोमीटर के अंडे लगा लगा के थक गया हूँ, मिला ही नहीं आज तक, स्टेज 4 पे मिलने वाला है। सो गाइज, मैं पहले बता रहा हूँ, ये मैंने एक वेबसाइट से वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया है, अगर ऐसा कोई इवेंट ना आया तो भैया प्लीज़ गाली ना दें हमें। तो भैया कैच अ ग्रास टाइप पोकेमोन बहुत सिंपल है, तो ग्रास टाइप पोकेमोन आप इजीली पकड़ सकते हैं। इसका भैया रिवॉर्ड भैया ठीक है,
सिल्वर पाइनबेरी, ये रसबेरी से भी बड़ी है। और इसके बाद आता है टंगीला इनकाउंटर। टंगीला पकड़ें, टंगीला को इवॉल्व करें, बहुत बढ़िया पोकेमोन है, पूरा मतलब बाल से घिरा पड़ा है उसका, नो शेव नवंबर खत्म ही नहीं हो रहा। तो ये पता नहीं पीला पीला क्या लग गया है, एक्सक्यूज दिस। सो गाइस स्टेज 5 पे आते हैं, बड़ी के साथ भैया वॉक करना है, मतलब एक कैंडी आपको लेनी है तो ऐसा बड़ी लगा लो, चार चार जड़ बोल रहा हूँ, मैजिक कार्प को लगा लेना भैया, वो 1 किलोमीटर में दे देगी मस्त एक कैंडी, 10 अल्ट्रा बॉल मिल जाएंगी भैया, 3 ग्रेट थ्रो करना है, जिसको नहीं आता ग्रेट थ्रो करना है उसको मैं बता दूंगा आई बटन में, आपको मैंने एक वीडियो कर दूंगा भैया, हर थ्रो ग्रेट होगा गारंटी मेरी है, उसमें मेरी ऑडियो भी नहीं है, मतलब मेरी आवाज़ सुनने की दिक्कत भी नहीं है वहाँ पर। तो भैया कैचा पॉइजन टाइप पोकेमोन, पॉइजन टाइप पोकेमोन बल्बासोर है, मिल जाए पकड़ लो, और मेडक वेडक टाइप के पोकेमोन होंगे ये सब आपको मिल जाएंगे, पकड़ लेना भैया। अरे भैया सावन, और इसमें आपको रिवॉर्ड मिलेगा एक रेयर कैंडी, 2 गोल्डन रसबेरीज और बीजिंग इनकाउंटर्स। सो गाइस काफ़ी कुछ मिल रहा है। स्टेज 6 पे आते हैं फटाफट, हिटमॉनचैन बढ़िया पोकेमोन है, फाइटिंग टाइप है, एक गोस्ट टाइप पोकेमोन के साथ आपको फोटो खींचनी है, फिर करना है एक फाइटिंग टाइप पोकेमोन पकड़ना है, आपको लैपरास मिलेगी, जिसके पास लैपरास नहीं है खुश हो जाए, लाइक ठोकें। फिर आपको एक साइकिक टाइप पोकेमोन पकड़ना है, साइकिक टाइप पकड़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है पर इंसेंस चलाएं, कोई ना कोई साइकिक टाइप आ ही जाएगा, और आपको मिलेगा अलकाजाम इनकाउंटर्स, रसबेरी तो आई हमने। सो गाइज मैंने इसमें 6 तक किए हैं, 7th मैं आपको भी दिखा देता हूँ, इधर जाए के वेबसाइट खोल के। सो गाइज gamesradar.com में वेबसाइट, मैंने इसका भी बता ही देता हूँ आपको। तो 6 तक के बाद आपको 7th में क्या है, आइस टाइप पोकेमोन के साथ एक फ़ोटो खिंचवानी है, 10 हाइपर पोशन मिलेंगे, फिर आपको एक पोकेमोन इवॉल्व करना है, कहाँ गया भाई, एक पोकेमोन इवॉल्व करना है, एरोडैक्टाइल इनकाउंटर होगा, मेरे बहुत काम का है, एक फायर टाइप पोकेमोन पकड़ना है, शायद चार्मेंडर मिल जाए, किस्मत अच्छी हो, आर्स 9 आपको मिलेगा, ये थोड़ा मतलब इतना खुशी की बात नहीं क्योंकि भैया ग्रोलिथ जगह जगह है यार इंडिया में। तो स्टेज एट है हमारी लास्ट स्टेज, मतलब करने वाली। स्टेज 8 में क्या है भैया, 6 टाइम पावर अप करना है भैया, पोकेमोन को पावर अप करना है, एक को नहीं किसी को भी कर दो पर 6 बार करना है, अपने मतलब गो बैटल खेल लो या फिर किसी दोस्त के साथ बैटल लड़ लो एक, ठीक है, एक स्टार पीस मिल जाएगा, ये भी बहुत मुश्किल से मिलता है। ग्राउंड टाइप पोकेमोन पकड़ना भैया, एक डिट्टो बिट्टो डिट्टो बोल रहा हूँ, डगलेट वगलेट पकड़ लेना, सच ग्राउंड टाइप ही है वो। और इसमें आपको मिलेगा भैया एक रेयर कैंडी और नीडो किंग पकड़ने का मौका। तो स्टेज 9 में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लकी एग फोड़ना है। क्या फोड़ना है, लकी एग, लकी एग फोड़े, 3, 3, 6, 3, 9, 9, 2, 18,000 स्टार डस्ट घर ले जाएं। और भैया 10 रेयर कैंडी, मैं तो यहीं पे अटका हूँ, और आगे आपको मिलेगा म्यूटू इनकाउंटर। सो गाइस ये वीडियो है, ये मिशंस हैं, ये इवेंट हैं, करो और म्यूटू पकड़ो भैया। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और भैया मोटिवेट करो यार, थोड़ा मेरे को भी यार डर लगता है कभी कभार वीडियो अपलोड करने में, भैया डिसलाइक उसलाइक मत किया करो यार, एक आध बंदे डिसलाइक कर देते हैं। चलिए भाई जो करना करें वो आपका फैसला है, मेरा काम है वीडियो अपलोड करना, आपका काम है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, तो भैया अपना अपना काम करें। और गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, सबका टाइम बहुत कीमती होता है, तो चलते हैं भैया तैयारी में लग जाते हैं, ओके भाई चलें।